दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट हार्डवेयर प्लाईवुड टिम्बल टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। कोरोना महामारी को देखते हुए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें स्थापित करने को लेकर कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख का दान किए हैं। रविवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में सीएम जयराम ठाकुर को अपनी निजी कमाई से 11 लाख का चेक भेंट किया और इससे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करने में आग्रह किया। सुक्खू ने कहा कि कोरोना महामारी से 2 सालों से देश और प्रदेश जूझ रहा है, ऐसे में अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं हो, इसको देखते हुए उन्होंने अपनी कमाई से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में विभिन्न रोगों की जांच पड़ताल के लिए अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय सलाहकार की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा। नहीं, मेरे मन में एक इच्छा है कि कोरोना महामारी में पिछले 2 साल से हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो कुछ भी हमने कमाया इस समाज से कमाया है, तो इस समाज को देने की अगर ज़रूरत पड़े तो इस इच्छा के अनुसार मैंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से 11 लाख का चेक दिया और इस सोच के साथ दिया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको आधुनिक बनाने के लिए और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधा हमारे जो 5 मेडिकल कॉलेज है उनमें उपलब्ध हो, इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया। ये प्रयास है एक कि एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य से संबंधित कोई कंसल्टेंट अपॉइंट कीजिए ताकि जो मेडिकल कॉलेज में रोगों की जाँच के लिए जो टेस्ट होते हैं या 15-15, 10-10 साल पुरानी मशीनें लगी हैं सीटी स्कैन की और एक्सरे की हॉस्पिटलों में, रीजनल हॉस्पिटलों में, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के लिए राय एक परामर्शदाता से राय ली जाए और इस टेक्नोलॉजी में किस मेडिकल कॉलेज में हमने कौन सी लेटेस्ट सुविधा देनी है। डिजिटाइजेशन के युग में हम प्रवेश कर गए हैं और अभी भी हमारी 20 साल पुरानी मशीनें लगी है, इस संदर्भ में आप इस पैसे का सदुपयोग कीजिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन पहल है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में विधायकों ने 1 साल तक कोविड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी सैलरी का 30% 30% जो है वो हिस्सा दिया था और साल भर तक दिया और इन्होंने, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसमें सुखविंदर सिंह जी ने बतौर विधायक जो है वो पूरा कंट्रीब्यूशन सैलरी का दिया था और आज फिर से क्योंकि कोविड की सारी सिचुएशन अभी तक भी हमारे सामने है चुनौती के रूप में, ऐसे में 11 लाख रुपए का इन्हें एक बहुत बड़ा एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन जिसको मैं कह सकता हूँ उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और इस पहल से मुझे लगता है कि हमारे और भी जो चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ करके सहयोग देने के लिए और इतने बड़े संकट में इस प्रकार के सहयोग से ही हम जो है बहुत अच्छी सुविधाएँ जो हमारे कोविड के पेशेंट है कोविड से सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुखविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।